गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर जीके क्लास एंड स्टूडेंट्स. टुडे आई एम कवरिंग द पेज नंबर 72 ऑफ योर बुक. द नेम ऑफ द पेज इज क्वायनेज. अंडर दिस पेज वी हैव टू बी लर्न अबाउट द क्वायंस ऑफ द डिफरेंट एरा. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट अर्लियर इन एनिशियंट, इफ वी लर्न अबाउट इन एनिशियंट हिस्ट्री, देयर आर द रूलर्स दैट मेक द क्वायंस विद डिफरेंट मटीरियल्स. जैसे कि आप सबको पता है कि पहले गोल्ड क्वाइंस थे, देन सिल्वर क्वाइंस आर हेयर, देन एंड क्वाइंस आर मेड ऑफ विद सील्स आर आल्सो अंडर दैट क्वाइंस. सील्स भी होती थी स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो यहाँ पर हम आज क्वाइंस की हिस्ट्री को थोड़ा बहुत रीड करेंगे कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में क्या क्वाइंस हमें क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द हिस्ट्री और किस मटीरियल से बने हुए थे. दैट इज ओके. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वाइंस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल इन अर्लियर टाइम विच गेव अस सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्ट, रूलर्स, रिलीजन एंड कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा. क्वाइंस हमें पर्टिकुलर एरा की बहुत कुछ नॉलेज देते हैं. हमने आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि क्वाइंस आर ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री. ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है. किस तरह से? फिल इन द फ्लोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द क्लूज गिवन. यू कैन हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. ओके, सो लेट अस डू द पेज. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द चाइनीज क्वाइंस वेयर ब्रोंज वर्जन ऑफ होज एंड डैश. चाइनीज क्वाइंस वेयर ब्रोंज वर्जन ऑफ होज एंड डैश. आपको चाइनीज़ क्वाइंस के बारे में बताना है जिसमें जो डिफरेंट वर्जन्स जो हैं होज के हम जो है मेनली यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो वो कौन से क्वाइंस होज एंड डैश, होज में क्या आएगा? होज एंड डैश, हेयर वी हैव द हेल्प बॉक्स दैट इज होज एंड हाँ जी, तो हेयर इट इज़ गिवन होज एंड नाइफ. चाइनीज क्वाइंस वेयर ब्रोंज वर्जन ऑफ होज एंड नाइफ, जिसमें होज और नाइफ जो है वो यूज़ होता था चाइनीज क्वाइंस में. ओके, नेक्स्ट. डैश वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड सिल्वर क्वाइनेज बाई इशूंग अ क्वाइन कॉल्ड टंका. टंका के नाम से कौन सा, किसने सिल्वर क्वाइंस इस्टेब्लिश किए, फर्स्ट पर्सन कौन था? द नेम ऑफ दैट पर्सन इज शेर शाह सूरी. ओके, दिस इज द रूलर हु इस्टेब्लिश द सिल्वर क्वाइन फर्स्ट. द नेम इज टंका. ओके, नेक्स्ट. डैश इज द वर्ड टू डिस्क्राइब अ क्वाइन इन एक्सीलेंट कंडीशन विद मिरर एंड फिनिश. कौन सा वर्ड यूज किया जाता है क्वाइन की एक्सीलेंट कंडीशन को बताने के लिए? द वर्ड इज प्रूफ, PROOF, प्रूफ. डैश वॉज द ओनली येलो कलर्ड क्वाइंस इशूड इन इंडिया इन 1964. येलो कलर का क्वाइन था 1964 में इंडिया में इशू किया गया. दैट इज पैसा, PASA, पैसा. अंडर डैश वॉज एक्ट ऑफ 1918 $270 million वर्थ क्वाइंस वर मेल्टेड. अंडर द एक्ट, कौन से एक्ट के अंदर जो था $270 million के जो क्वाइंस थे उनको मेल्ट कर दिया गया, पिघलाकर ख़त्म कर दिया गया. अंडर द एक्ट ऑफ पिटमैन, PITMAN, पिटमैन एक्ट. ओके, नेक्स्ट. द क्वाइंस ऑफ डैश कंट्री इंस्पायर्ड अर्ली जापानीज क्वाइन डिजाइनर. कौन से कंट्री के क्वाइंस ने जापानीज क्वाइन डिजाइनर को इंस्पायर्ड किया, प्रभावित किया? द क्वाइंस ऑफ चाइना, चाइना के क्वाइंस ने. ठीक है, नेक्स्ट. डैश वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड द अश्वमेधा टाइप ऑफ क्वाइंस शोइंग द सेक्रीफिशियल हॉर्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए पोस्ट. अश्वमेध यज्ञ होता था हमारे यहाँ पर, जिसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि राजा छोड़ता था घोड़ा
और जो वहाँ पर भी घोड़ा होता था वो सारा एरिया राजा के अंडर आ जाता था, ठीक है। तो अश्वमेधा टाइप ऑफ क्वाइन फर्स्ट गुप्ता रूलर ने इशू किया था, जिसमें हॉर्स दिखाया गया था स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए पोस्ट, किसी पोस्ट के आगे। तो कौन सा रूलर था जिसने सबसे पहले अश्वमेधा क्वाइंस को रिलीज़ किया, जिसमें क्वाइंस के ऊपर इसकी फ़ोटो बनी हुई थी। द नेम इज़ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। नेक्स्ट, डैश वॉज द ओल्डेस्ट सर्कुलेटिंग क्वाइन, सबसे पुराना सर्कुलेटिंग क्वाइंस कौन सा है जो आज भी चल रहा है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में सर्कुलेटिंग क्वाइंस हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ कॉमेमोरेटिव क्वाइंस इन इंडिया वॉज इशूड इन 1964 इन द ऑनर ऑफ डैश। इंडिया में सबसे पहले कॉमेमोरेटिव क्वाइंस को इशू किया गया 1964 में, फर्स्ट सेट, किसके ऑनर में, किस पर्सन के ऑनर में। द नेम इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑनर में, ठीक है। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट नोन क्वाइंस वर मेड ड्यूरिंग द 7th century BC। सबसे स्टार्टिंग अर्लीस्ट जो क्वाइंस जो हम जानते हैं, जिनके बारे में हमें पता है, वो बनाए गए 7th century में, BC में, इन लाडिया, विच टुडे लोकेटेड इन, जो लाडिया में बनाया गया वो कहाँ है आज। मतलब सबसे पहले हम जिन क्वाइंस के बारे में जानते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर बनाए गए लाडिया में, आज ये क्वाइंस कहाँ पर, ये लाडिया जो प्लेस है, वेयर इट इज़ टुडे, इट इज़ इन टर्की टुडे, इट इज़ इन टर्की टुडे। ओके, सो दिस इज़ अबाउट योर क्वाइनेज, आई एम रिपीटिंग इट अगेन वंस। द चाइनीज क्वाइंस ब्रोंज वर्जन ऑफ होज एंड नाइफ, नाइफ का वर्जन था ये, ब्रोंज का, तांबे के बने हुए। डैश वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड सिल्वर क्वाइन, शेर शाह सूरी। डैश इज द वर्ड टू प्रिस्क्राइब ए क्वाइंस एक्सीलेंट कंडीशन, दैट इज प्रूफ। डैश वॉज द ओनली येलो कलर्ड क्वाइंस, दैट इज पैसा। अंडर द पिटमैन एक्ट, अंडर द पिटमैन एक्ट, 270 million dollar क्वाइंस वर मेल्टेड। द क्वाइंस ऑफ चाइना कंट्री इंस्पायर्ड जापानीज डिजाइनर, क्वाइन डिजाइनर। एंड विक्रमादित्य वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशूड द अश्वमेधा टाइप ऑफ क्वाइंस। डैश वॉज द ओल्डेस्ट सर्कुलेटिंग क्वाइन, विच वन, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। एंड द फर्स्ट सेट ऑफ कॉमेमोरेटिव क्वाइंस वॉज इशूड इन द ऑनर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। एंड द अर्लीस्ट नोन क्वाइंस ड्यूरिंग द 7th century BC इन लाडिया, नाउ लोकेटेड इन टर्की। ओके, सो दिस ऑल अबाउट योर, दिस पेज नंबर 72। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।